2022 तक रेलवे के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य, बाकी बचे 13,675 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल मार्गों के विद्युतीकरण को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। रेलवे के ईंधन बिल में हर साल 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी बचत। मिश्रित डोज वाली 328 दवाओं पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सेहत को नुकसान पहुंचाने के खतरे को देखते हुए जनहित में लगाई रोक। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में मौजूद सामग्री का चिकित्सीय औचित्य नहीं पाए जाने पर उठाया कदम। पांच राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर गौर कर रहा है चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो सकती है चुनाव प्रक्रिया। 8 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची आने के बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ढाका में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से दी मात। फाइनल में मालदीव से होगी भिड़ंत। और देशभर में आज से 10 दिनों तक गणेश उत्सव की होगी धूम। महाराष्ट्र समेत देशभर में खासा उत्साह। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी लोगों को बधाई।